एक गांव में एक धनवान रहता था। उसका बिट्टू नाम का एक बेटा था। बिट्टू को पैसे होने का घमंड था। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों को डांटता था, मारता था और उन्हें बहुत तंग करता रहता था। एक दिन एक नौकर पंखे के नीचे सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़कर पंखे को साफ कर रहा था। ये देखकर बिट्टू, अरे तुम्हारे पैर इतने गंदे हैं और उन गंदे पैरों के साथ सीढ़ी पर चढ़कर तुमने सीढ़ी को भी गंदा कर दिया, कमीने, कहकर उसने सीढ़ी को पैरों से लात मारा। बस वो बेचारा सीढ़ी से नीचे गिर गया। कार साफ करने वाले से, अरे ये कार तुम्हारा पलंग है जो इसके ऊपर लेट कर तुम इसे साफ कर रहे हो, हैं? जानते हो इस कार की कीमत क्या है, वो कमीने, कहकर उसका कॉलर पकड़कर उसे खूब मारने लगा। चाय की चुस्की लेकर उस चाय को उस नौकर के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, मैंने तुमसे गर्म चाय मंगवाया था, ठंडी चाय नहीं, इडियट, जाओ दोबारा ले आओ। उसी गांव में परमेश नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ एक ठेले में राजमा चावल बेचा करता था। उस ठेले पर एक बोर्ड लटका हुआ था, राजमा चावल केवल 10 रुपए। ज्यादातर गरीब लोग उसके पास आकर खाते थे। एक दिन बिट्टू वहाँ पहुँचा। बिट्टू अपने आप से, जब मैं छोटा था तब से ही ये बुढ़ऊ ये राजमा चावल बेच रहा है ठेले पर। उन दिनों 1 रुपए में बेचता था और आज 10 रुपए में बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। इसमें जरूर कोई राज की बात है, एक बार इसका स्वाद देखना होगा। कहकर उसने परमेश से राजमा चावल का एक प्लेट खरीदा, उसे खाया, फिर अपने मन में, अरे वाह, वाकई इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, इसलिए तो इतने सारे लोग आकर यहाँ खाते हैं। यूँ सोच ही रहा था तभी दो नौजवान वहाँ पहुँचे। एक के हाथ में कैमरा था, दूसरा, परमेश जी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, खाकर देखो, हम देश भर में घूमते हैं और जहाँ सस्ता खाना मिलता है उसका वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल में डालते हैं, क्या हम आपका वीडियो ले सकते हैं? तब परमेश, ले लो बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहकर उन्हें एक प्लेट राजमा चावल दिया। वो खाने लगा तो दूसरा उसका वीडियो बनाने लगा। वो नौजवान खाते हुए, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। डियर व्यूअर्स, वाकई इस राजमा चावल का स्वाद लाजवाब है। परमेश जी, आजकल जहां 10 रुपए में चाय तक नहीं मिलती, आप एक प्लेट राजमा चावल कैसे दे पाते हैं लोगों को, जरा बताइए आपका ये सफर कब शुरू हुआ? वो नौजवान परमेश को इतना आदर देकर बात कर रहा था। ये देखकर बिट्टू के बदन में आग लग गई। परमेश, बेटा पिछले 40 सालों से यही मेरी कमाई का आधार बना हुआ है। बेटा, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों मिलकर ये काम करते, हमारा कोई नौकर नहीं है, हम ज्यादा मुनाफे की उम्मीद नहीं करते। बेटा, हमें पैसों की लालच नहीं है, जो है उसी में खुश हैं। अगर हम एक दिन में एक गरीब का पेट भर पाए, हमें उसी में खुशी मिलती है। बेटा, तभी राजमा चावल खा रहा एक गरीब लड़का उस नौजवान से, हाँ अंकल, इन्होंने कई बार मुझे मुफ्त में राजमा चावल खिलाया है जब मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं इनके लिए बहुत बड़ा घर बनाकर दूंगा। बस ये सुनकर बिट्टू से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उस लड़के को धक्का दिया, फिर कैमरा वाले से, भाई मैं और कोई काम नहीं है, हैं? बड़े आए तुम लोग, तुम सवाल पूछते हो और ये बुढ़ऊ उसका जवाब देता है और ये बच्चे उसकी तारीफ करते हैं, हैं? जाओ जाओ यहाँ से। अरे 10 रुपए दो तो ये लोग तो गोबर भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कमीने, लानत है, है? तब परमेश, बेटा तुम गलत कर रहे हो, यूं दूसरों का अपमान मत करो। बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत खाओ, लेकिन दूसरों का यूं अपमान ना करो। बेटा, तब बिट्टू ने उस ठेले को धक्का देकर, ए बूढ़े तुम मेरा अपमान करते हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम धंधा कैसे करते हो, मैं एक ढाबा खोलूंगा और कोई भी व्यंजन केवल 100 रुपए का बोर्ड लगाकर बेचूंगा, तब देखना लोग मेरे पास कैसे उमड़ कर आते हैं, तुम मुझसे पंगा लेते हो, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। ये देखकर उस गरीब लड़के को बहुत गुस्सा आया। बिट्टू ने जैसा कहा वैसा ही किया, उसने एक ढाबा खोला, ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया, उस बोर्ड पर लिखा था, एनी नॉन वेज आइटम 100 रुपीज ओनली, यूं लिखा था। तभी वो गरीब लड़का वहाँ चुपचाप आया और उसने 100 में से 1 शून्य को मिटा दिया। तभी एक बस भरकर बाराती वहाँ पहुंचे, उन्होंने वो बोर्ड देखा और वाह कहकर अंदर चले गए। इसी तरह वहाँ जा रहे बहुत सारे लोगों ने वो बोर्ड देखा और ढाबे के अंदर चले गए। इस तरह वो ढाबा लोगों से भर गया। इतने सारे लोगों को देखकर बिट्टू बहुत खुश हुआ। लोगों ने चिकन मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया और बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स का भी ऑर्डर दिया। बाद में जब उन्होंने बिल देखा तो बिट्टू के साथ लड़ पड़े। बिट्टू, क्या बात है, पेट भर कर ठूंस लिया, सब कुछ खा लिया और जब बिल देने की बारी आई तो आनाकानी करते हो, हैं? चुपचाप बिल भरो वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। तब एक आदमी, अरे इज्जत करना नहीं आता, अरे तुरे करके क्या बात कर रहे हो तुम, अरे सब मिलकर इसे मारो तभी इस गधे को अकल आएगी। तब एक और व्यक्ति, क्यों भाई, बाहर तो बोर्ड लगाया था कि एनी नॉनवेज
आइटम 10 रुपीज ओनली और खाने के बाद 100 रुपए का बिल देते हो। अरे मारो इसे। और हाँ, 1 रुपए भी ना देना। इस तरह सबने मिलकर उसे खूब मारा, फिर वहाँ से चले गए। बाद में बिट्टू लंगड़ाता हुआ बाहर आया और उसने बोर्ड देखा और बस वहीं गश खाकर गिर पड़ा। ये देखकर वो गरीब लड़का मुस्कुराने लगा।